ओके सो वेलकम ऑल टू टुडेज़ क्लास टुडेज़ क्लास इज अबाउट लेट से एक एक नया सेशन हम लोग लेंगे एक नया वीडियो एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ माइनी जजिंग के सोन के एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ प्लस अनकेडमी uh, के ऊपर uh, हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्जाम्स हैं मेजॉरिटी ऑफ़ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेज हैं आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं भले ही वो नीट हो जे हो सिक्स टू टेंथ तक हो इलेवेंथ ट्वेल्थ हो लेट uh, से फिर तो एम हो यू हो इट डजेंट मैटर हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेज हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन जल्द से जल्द अनएकेडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके राइट सो डू जॉइन एन एकेडमी आप एप्प्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेस जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए सो लेट स्टार्ट विद आवर सेशन आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब आइकन जरूर दबाएं वीडियो लाइक like करना है चैनल सब्सक्राइब करना है और आइकन जरूर दबाना है चलिए सेशन शुरू करते हैं ओके हेलो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग इज इज रियली रिक्वायर्ड सपोज के ऊपर हमारे अनएकेडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सब्लेट से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्वेज डाउट सॉल्विंग सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है सो अन एकेडमी इज ए बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ ऑफ्स एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का जरूर फायदा उठाएं और आपका जो करियर है आपका जो सेट करियर है उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज है अवेलेबल है आप चाहे जेई करो आप शायद यूपीएससी करो आप शायद एम करो आप नीट करो कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनएकेडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है सो तो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड आप अनएकेडमी का फायदा जरूर उठाएं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है आपका जो करियर है वो सेट हो सके ठीक है चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड अस स्टार्ट से ऑफ द टॉपिक ऑफ़ द डे एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो ओके सो मेरा नाम अजिंक्य है, माय नेम इज अजिंक्य सोड़ों एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन फगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेम्बर माई नेम दैट इज माई नेम इज अजिंकिया एंड लेटस स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेटस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए

इन लिटमस या फिर सब से फिनाफ्थलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज कलर कैसे कैसे चेंज होते हैं आपको पता होना चाहिए सो लेट डू दैट चलिए सो मी जस्ट टाइम हम क्या करेंगे छोटे छोटे टेस्ट यूज करेंगे फॉर टू एक्सपेरिमेंट एकदम छोटे ट्यूब बेबी टेस्ट बिकॉज uh, हम लोग एसिड बेसिस के साथ यूज करने वाले हैं सो वी डोंट रिक्वायर मच बहुत ज्यादा नहीं चाहिए हमको छोटे छोटे ट्यूब्स यूज करेंगे वी वी डोंट रिक्वायर रिक्वायर हेवी एसिड्स एंड केमिकल्स जस्ट छोटा बहुत ज्यादा क्वान्टिटी की जरूरत नहीं है uh, सबसे पहला लिटमस पेपर को देख लो जिसके लिए जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं वन इज कॉल्ड एज रेड लिटमस ये वाला दिस इज रेड लिटमस तुमको ऊपर से वो द लाइट इज वेरी ब्राइट हियर बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट है यहाँ पे तो बिकॉज ऑफ दैट इट माइट लुक जस्ट लाइक व्हाइट पेपर ठीक है बट असल uh, में वो रेड है फेन ट्रेड है कलर चेंज नैज यू आर डीलिंग विद एसिड एंड बेसिस बिकॉज इवन दो आपके स्कूल के प्रैक्टिकल्स में जो एसिड बेसिस यूज किए जाते हैं दोज आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेटेड हो कि डायलूटेड फॉर्म में हो एसिड्स एंड बेसिस से यू शुड बी रियली केयरफुल बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन एंड प्रॉपर प्रिकॉशन शुड बी टेक चलिए सो लेट मी वेयर द्लव और ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल हमारा एसिड बेसिस का ओके okay. चलिए तो एक फेमस हमारे बेसिस और एसिड्स लेते हैं वही कौन uh, देखो टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सेकंड आई थिंक एक बेस ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके आई थिंक मैंने गलती से दोनों एसिड्स ही ले लिए हैं ओके मी चेंज इट मैं दूसरा ले लेता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, ले लेता मैंने दोनों केमिकल दोनों एसिड ले लिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया एक दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्या कुछ करना मी जस्ट टेक दैट अनदर बेस जस्ट वन सो दिस इज समिंग विच यू नो आपके रेगुलर बेसिस हैं जो आप भली भांति जानते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं अभी पहले एसिड भर लेते हैं एंड फिर हम लोग उसका टेस्टिंग शुरू करेंगे आ, सबसे पहला हम लोग एसिड को नहीं लेंगे ये सल्फिर एसिड नहीं चाहिए हमको वी रिक्वायर हम लोग एकदम बेसिक लेने वाले हाइड्रोक्लोरिक uh... एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है दिस विल डू दिस आर मोर सफिशिएंट तो देखो भाई दीज आर दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एंड ये जो है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक लेंगे और सल्फ्यूरिक सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक लेंगे ठीक है दोनों लेंगे लेट अस टेस्ट इसको ओपन करने के लिए ऑब्वियसली मेरे को कुछ लगने वाला है दिस इज एसिड एसिड को ले रहे हैं पहले पहले सिर्फ एसिड को चेक करेंगे फिर दूसरा देखते हैं एंड बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर डूइंग दिस इसको अगर आप ओपन भी कर रहे हैं इसको एसिड को बेस को डू इट वेरी स्लोली विदाउट डिस्ट्रैक्शन या फिर बिना टेंशन के ठीक है बिकॉज इवन इफ यू डू दिस रॉन्ग इट से बहुत कुछ हो सकता है सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस चलिए इसके अंदर मैं एसिड डाल देता हूँ सो दीज आर ड्रॉपर्स मैं droppers से एसिड ले रहा हूं ओके सो इट्स मोर देन सफिशिएंट

एक so, okay. और मैं उसको पूरा डुबोने नहीं वाला मुझे तो पेपर ही कलर चेंज हो गया तो जज कैसे कर पाऊंगा so, खाली आधा डिप करूंगा आधी के ऊपर ने सो आई विल रिक्वायर समथिंग टू होल्ड दिस काम हो जाएगा ठीक है सो लेट मी होल्ड दिस एसिड ओके okay, so अभी ये होल्ड हो गया ओके okay, तो मैं अभी उसको इंसर्ट करूंगा uh, uh, तुम्हारे सामने सबको लेटर से आई विल बी इंसर्टिंग दिस एंड एक काम करेंगे तुम खाली कलर चेंज ऑब्जर्व करो ठीक है आई विल इंसर्ट इट वेरी स्लो ओके तो प्रॉब्लम ये है कि इसका काफी छोटा हो रहा है पेपर का साइज बड़ा हो रहा है तो लेट मी जस्ट फोल्ड इट so, थोड़ा सा फोल्ड कर लिया मैंने सो दैट मेरा वो ठीक से अंदर जाए पेपर ओके सो आई हैव फोल्डेड अ लिटिल बिट नाउ इट विल बी इजी फॉर मी टू इंसर्ट अभी आपको मैं थोड़ा सा टेडा करके बता रहा हूं ऐसा करना तो नहीं चाहिए बट प्रॉब्लम यह है कि आपको दिखेगा नहीं उसके से वो सो जस्ट इंसर्टिंग दिस कैन यू सी द कलर चेंज एक नीचे का आधा पार्ट इज रेड ऊपर का ब्लू है नाउ इट इज क्वाइट विजिबल दिस इज क्वाइट विजिबल ऊपर का ऊपर का पार्ट जिधर से मैं पकड़ रहा हूं उधर से पूरा ब्लू है नीचे का पूरा रेड बन गया रेड इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन सी द कलर चेंज सिर्फ मैंने डाला है मैंने कुछ भी नहीं किया सिर्फ डाला बाहर निकाला एंड यू कैन सी द कलर चेंज यस हाफ इज ब्लू हाफ इज रेड इधर वाला ब्लू है ये वाला पार्ट इधर वाला रेड है ऑब्वियसली वो उतना रेड नहीं होता जितना तुम सोच रहे हो अब जैसे कि ये देखो लेट मी जस्ट शो यू ये वाला रेड कलर इतना रेड कलर नहीं है वो मतलब द कलर यू आर लुकिंग फॉर ऑन लिटमस पेपर वो उतना भी रेड नहीं है जितना तुम सोच रहे हो ज so बट so तो uh, you know, uh, so फिर भी हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग डाल के देखते हैं हमारा सेटिस्फैक्शन का क्या है हमको तो किसी चीज से भी सैटिस्फेक्शन नहीं मिलता है चलिए इसको भी डाल के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है सही है इसको भी थोड़ा सा फोल्ड करता है अंदर नहीं जाएगा नहीं तो अपने से टेस्ट ट्यूब में से पीछे से पकड़ लेता है और इसके अंदर डालते हैं आई आई थिंक तुमको अभी समझ में आ रहा होगा कि हमने एसिड का क्वांटिटी इतना कम क्यों लिया बिकॉज छोटे से क्वांटिटी से भी काम बन जाता है यू रिक्वायर टू मच ऑफ एसिड तो आप देख सकते हैं कुछ कलर चेंज नहीं है सिर्फ गीला हो जाता है ओनली गीला हो जाता है नीचे से बाकी कुछ कलर चेंज नहीं आता है सो दिस इज रेड टू रेड ही रह गया लेकिन ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया यू कैन सी द कलर चेंज एक ब्लू से रेड हो गया है एक खाली गीला हो गया है रेड टू रेड एसिड वाला ओके सो दिस इज दिस इज अबाउट हो दिस इज अबाउट एसिड्स के बारे में नाउ वट विल डू इज वी विल ऑल्सो टॉट बेस बेस के लिए भी देख लेते हैं ओके तो कौन सा लेंगे हमारा फेवरेट एनएच सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे एनएच लेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पज मी टेक टेक दिस इन अनदर टेस्ट यू इसको हम दूसरे यू में लेते हैं लेट मी ओपन दिस एंड इसको दूसरे टेस्ट यू में लेंगे

Uh, ये प्रिकॉशन आपको थोड़ी सी रखनी है यूजिंग ड्रॉपर ओके तो एकदम सिंपल रहता है है बहुत ऐसा हार्ड नहीं जस्ट एक बल्ब रहता है पीछे एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हाँ तो बस जस्ट दबाना है द, दबाते ही वो बाहर निकल जाता है और तुमने छोड़ा रिलीज किया तो ऊपर आ जाता है वेरी सिंपल चलिए अभी ये हाथ में मेरे क्या है दिस इज बेस अब बेस के अंदर हम लोग क्या डालेंगे ऑब्वियसली विल एड हमारा स्टार्टिंग हम लोग रेड लिटमस से करते हैं बिकॉज हमको पता है कि रेड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है मतलब तो हम लोग कौन सा लेंगे सबसे पहला बिकॉज टू गेट अलर चेंज देट मीन जस्ट फोल्डेड फोल्डेड उसको पकड़ दो और उसको इंसर्ट कर लो तुम्हारे बेस के अंदर ओके डू ऑब्जर्व द कलर चेंज देखो ओके okay. वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया जस्ट लेट मी होल्ड इट ये देखो मैं इसको शायद मेरे हाथ पे इधर रख देता हूं बी so इजी

Blue करते हैं अभी. सी हैपेंस और एक लास्ट में कमाल करके देखते हैं ठीक है एक कमाल करके देखते हैं which you love, which you love. Obviously. ये है हमारा ब्लू लेट मी होल्ड इट और ये बेस में डाल देता हूं अभी अब तुमको तो पता है कि बेस में ये ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है खाली गीला हो जाएगा मतलब ऑब्वियसली okay. सिर्फ गीला ही हुआ है कुछ चेंज नहीं आया सिर्फ गीला हो गया okay. तो ये रहा आपके बेस के ये बेस के हैं विच कन्वर्टेड फ्रॉम रेड टू ब्लू ब्लू टू ब्लू ही रह गया ये एसिड्स के हैं विच गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम ब्लू टू रेड रेड का रेड ही रह गया अब एक काम करता है लेट मी होल्ड दिस पेपर अगेन अभी तक ये सूख गया होगा ये वो पेपर है कि जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया था जब हमने उसको एसिड में डाला था करेक्ट नाउ अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन अपने बुक में ना एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ही लिटमस पेपर दे के आपको बोलते हैं कि टेस्ट करो राइट सो कैन वी डू वन थिंग इसको फिर से इंसर्ट करके देखेंगे बेस के अंदर आ, क्या ये कलर चेंज करता है बिकॉज दिस पेपर हैज ऑलरेडी बीन मतलब ब्लू से रेड में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है लेटस एट दिस इन बेस

रेड विल कन्वर्ट टू ब्लू लेट इट हो रहा है दिख सके की ब्लू हो गया मतलब अगेन वी कैन कन्वर्ट दल पेपर इन टू अगेन द ब्लू कलर खाली खाली तुमको आपका करस्पॉन्डिंग एसेड बेस यूज करना है लेटमी चेंज इट फुल्ली बीच वाला पार्ट भी चेंज कर लेता हूं देखो पूरी तरीके से फिर से ब्लू बन चुका है अभी टडा यस मैजिक ओके तो मैजिक <laughs> बिजिक कुछ नहीं है इट इज जस्ट साइंस प्योर साइंस दैट यू कैन कन्वर्ट दैट लिटमस पेपर अगेन जैसे हमारे क्वेश्चन में था राइट right? एक क्वेश्चन पे था ना वो कुछ वाटर एसिड बेस देते एक ही टेस्ट ट्यूब में एक रेड लिटमस पेपर से तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट सिर्फ एक पेपर से भी आप पूरा काम कर सकते हो मतलब only one paper you can convert, -convert, आपका काम काम चल सकता है, सही है? Okay, है, सही तो तो एक करता ये 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 हमारा हमारा फिर से से हो हो गया, ये हमारा से ब्लू हो गया था में। लेकिन का क्वालिटी बहुत ही खराब है मतलब ये जो रेड लिटमस है ना इसका क्वालिटी बहुत खराब है मेरे पास जो है सो अस सी सस्टेन कर पाएगा क्या एसिड के अंदर वो विल इट शो कलर चेंज मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है लेकिन फिर भी लेट अस सी क्योंकि पेपर क्वालिटी बहुत हल्का है आई डोंट थिंक वो एक और एक झेल पाएगा और एक से केमिकल नहीं आई वाज राइट इट वाज मतलब वो नहीं झेल पा रहा है उतना टेक्निकली इट शुड चेंज बट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ द रेड लिटमस आई हैव बहुत ही थर्ड क्लास है सो बिकॉज ऑफ दैट वो वैसा कलर चेंज नहीं देखा हमको जैसा ब्लू में देखा था So sorry about that, but uh, I do not have replacement for that uh, litmus paper. chaliye so yahan tak ye experiment tha so let me just pause all of this and let me ask you if there is. chaliye let चलिए लड़सर। So ये लेसन काफी let's say important है in terms of लेट्स से अगर हम लोग इसकी अगर बात कर रहे हैं तो if you are talking specifically about the importance in terms of chemistry, क्योंकि एक तो ये लेसन में कैसा है कि

अब आपको पूछ रहे इफ इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग हो गई और उसकी वजह से सपोज इट से एसिडिटी हो गई ठीक है अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी एज अ रेमेडी बोल के उनको क्या दोगे लेमन जूस विनेगर की बेकिंग सोडा क्या लगता है ऑप्शन में बताइए मैं तीनों के बारे में बता दू लेमन जूस एसिड है विनेगर एसिड है बेकिंग सोडा बेस है बताइए आपके पेट में अगर एसिडिटी हो गई है ज्यादा खाने की वजह से ओवर ईट कर लिया आपने तो क्या खाओगे एसिड एसिड बेस सिंपल सी चीज है बेस खाएंगे बिकॉज आपके पेट में एसिडिटी हो गई है आपके पेट में एसिडिटी हो गई है तो एसिड होने की वजह से एसिड को कौन काटता है बेस काटता है तो आपको क्या खाना पड़ेगा बेस खाना पड़ेगा सिंपल लॉजिक तो हेंस यहां पर एरो करके लिखें आंसर क्या लिखेंगे एरो करके ट वी विल ईड बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा खाएंगे एरो करके लिख दो क्वेश्चन का आंसर एंड द रीजन इज बिकॉज इट्स चलिए प्लीज जल्दी लिख दीजिए आंसर उस क्वेश्चन का बेकिंग सोडा बेस चलिए विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी ये तीन ऑप्शन में जो आपके पास थे लेमन जूस विनेगर बेकिंग सोडा आपने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया लाइक like, आपने जो केमिकल से डिसाइड किया लेने का ड्यू टू एसिडिटी उसके लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा बेसिक 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 लिखो वहां पे आंसर प्रॉपर्टी के बारे में सोचा रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर विदाउट टेस्टिंग ओके तो इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे दैट इज रिकॉल हाउ वी टेस्टेड इसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे राइट right? चलिए आगे बढ़े अबाउट द कलर्स ठीक है कलर्स के बारे में याद करते हैं लेकिन एक काम करो एक पेज निकाल के रखना पेज के अंदर हम लोग वो चीजें याद कर लेंगे ठीक है एसिड बेसिस के बारे में डेटा यहीं पे याद कर लो कैसा है इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू रिमेबर लेटर राइट ओके तो हैं यहीं पर याद कर लेंगे ठीक है चलिए सबसे पहला हम लोग एक समझ के लेते हैं यहां पर एंड दैट इज कि एसिड्स और बेसिस का पहले टेस्ट के बारे में देखते हैं ठीक है Let us first talk about the test. हमारे पास दो केमिकल्स हैं, एक एसिड है, एक बेस देखो अपने पास दो टेस्ट है सौर और बिटर राइट right? आपको क्या ध्यान में रखना है बी फॉर बेस बी फॉर बिटर ध्यान में रखना है बी फॉर बेस बी फॉर बिटर और दूसरा कौन सा रह जाता है Sour, एसिड रहता रहते है. तो बी फॉर बेस बी फॉर बिटर एंड एसिड का सौर याद रखना है ठीक है वेरी सिंपल बी फॉर बेस बी फॉर बिटर एसिड के अंदर सौर आ जाएगा वेरी सिंपल एटलीस्ट हमको उसका टेस्ट तो पता चल गया ठीक है याद हो गया अब बात करते हैं लिटमस पेपर्स की जो हम लोग इंडिकेटर्स बोल के यूज करते हैं अब ये काफी फेमस है लिटमस बच्चों को पता ही रहता है एटलीस्ट नाम सुनने वाला रहता है भले ही दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस एटलीस्ट उनको पता रहता है कि लिटमस नाम का कुछ तो पेपर होता है विच इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और पेस्ट तो चलिए इसके बारे में जानते हैं लिटमस होता क्या है बेसिकली लिटमस एक केमिकल है ठीक है ये प्लांट से मिलता है हमको मतलब ये नेचुरल है लिटमस किससे मिलता है प्लांट से मिलता है बिकॉज ऑफ दैट ये सपोलेट से इट्स वन ऑफ द वट आई कैन से इज इज अचुरल वन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल चीजों से मिलता है इट्स अचुरल वन और इसका ओरिजिनल जो कलर रहता है ना पर्पल रहता है ओरिजिनल कलर क्या है पर्पल मतलब वॉयलेट कलर के जैसा ओरिजिनल कलर उसका अब उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करके हम उससे दो केमिकल्स बनाते हैं दो केमिकल्स बनाते हैं कौन से कौन से एक बनाते हैं रेड लिटमस और दूसरा बनाते हैं ब्लू लिटमस ये बारे. तो हमने क्या किया देखो लिटमस पर्पल कलर का है प्रोसेसिंग करके हमने उसमें दो केमिकल बनाए एक रेड लिटमस एक ब्लू लिटमस अब ये जो रेड और ब्लू लिटमस है ना ये लिक्विड फॉर्म में है. मतलब आपके ऐसा समझ लो एक कंटेनर के अंदर है अब उसके अंदर आप क्या करोगे एक पेपर डाल दोगे नॉर्मल पेपर रहता ना अपना वो पेपर डाल दोगे तो पेपर क्या कर लेगा ये रेड लिटमस को पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा हम दोनों के अंदर क्या डालेंगे पेपर डालेंगे पेपर। पेपर क्या करेगा उस पूरे केमिकल को एब्सॉर्ब कर लेगा और ये जो पेपर होगा हम लोग इसको बोलते हैं रेड लिटमस पेपर इसको क्या बोलते हैं रेड लिटमस पेपर इस पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर आइडेंटिफिकेशन और इसको क्या बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर मेन क्वेश्चन ये क्या हम लोग ये डायरेक्ट लिक्विड को यूज नहीं कर सकते यहां पर जो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का लिक्विड है कांट वी यूज 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 दैट फॉर इंडिकेटर यस यू यू कैन कैन कर सकते हो फिर क्यों यूज नहीं करते क्योंकि लैब में कैसा है ना फिर आपको ये स्पेशल बॉटल रखना पड़ेगा स्पेशली केमिकल को हैंडल करना पड़ेगा उससे अच्छा पेपर यूज कर लो पेपर को तुम किधर भी रख सकते हो सो व्हाई डू वी यूज लिटमस पेपर्स इंस्टेड ऑफ सपेट से द द लिक्विड्स रीजन बीइंग लिक्विड्स को हैंडल करने के लिए कहा वापस हम लोग समय बिताएंगे उसको निकालो फिर उसमें से ड्रॉपर से डालो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इससे अच्छा हम लोग क्या यूज करते हैं पेपर यूज करते हैं जस्ट बोल के फाड़ने का यूज करने का ओके सो वी हैव टू लिटमस पेपर कौन कौन से कौन से एक रेड लिटमस है ना ब्लू लिटमस अब इसको यूज कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं अब हमारे पास दो पेपर तो आ गए एक कौन एक रेड लिटमस दूसरा कौन ब्लू लिटमस मेन क्वेश्चन अभी मेन क्वेश्चन दोनों में से कौन सा यूज करने का दोनों यूज करना पड़ता है दोनों यूज करना पड़ता है मान लो आपको आपको एक सैंपल दे दिया मैंने ये आपके पास एक सैंपल है ये वाला एंड यू हैव बीन आस्ट कि इसको प्लीज टेस्ट करो इसको टेस्ट करो कि भाई ये कौन सा केमिकल है मतलब ये एसिड है कि बेस है तो तुम क्या करोगे तुम दोनों पेपर डालोगे इसके अंदर दोनों पेपर डालोगे तुम इसके अंदर रेड लिटमस भी डालोगे और तुम इसके अंदर ब्लू लिटमस भी डालोगे दोनों दोनों लिटमस पेपर डालना पड़ता है ऐसा क्यों क्योंकि दोनों को ही सप्पोलेट से एक कलर चेंज आपको देगा दोनों ही डालना पड़ता है दोनों से टेस्ट करवाना पड़ता है अच्छा ठीक है तो अगर दोनों डाल दिए तो एसिड क्या कलर चेंज देता है, है? तो और बेस क्या कलर चेंज देता है अब एसिड क्या करता है एसिड एसिड रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है एसिड क्या करता है रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है उसको चेंज नहीं करता वो. लेकिन जो ब्लू वाला है ना ब्लू वाला ब्लू वाले को चेंज करता है वो ब्लू वाले को क्या कर लेता है रेड बना लेता है ब्लू वाले को रेड बना लेता है मतलब रेड का रेड रहेगा ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा कौन एसिड एंड अबाउट द बेस बेस को पहले देखते हैं अब बेस क्या करता है ब्लू को ब्लू में ही रखेगा वो ब्लू को चेंज नहीं करता ब्लू को ब्लू में ही रखेगा ब्लू का कलर चेंज नहीं होता है वट अबाउट रेड रेड का चेंज होगा रेड डेफिनेटली चेंज होगा आपका रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है मतलब इन शॉर्ट एसिड के अंदर रेड कलर मिल जाता है आपको तुम देखो ना कॉमन है दोनों के अंदर क्या कॉमन है रेड रेड मतलब एसिड के अंदर लाल ही मिलता है एंड बेस के अंदर कैसा मिलता है ब्लू मिलता है ओके okay, ठीक है इस चीज को हम लोग याद करेंगे इस चीज को याद करेंगे वॉट डू डूर्स हम लोग इसको याद करेंगे बेस के लिए देखो हमने क्या बोला था फॉर बेस बी फॉर बेस फिर हमने बोला था बी फॉर बिटर बी फॉर बिटर और हमने बोला है कि जो लिटमस आपका रेड वाला है वो किसमें कन्वर्ट होता है ब्लू में मतलब इसमें कौन सा है राइट बी फॉर बेस बी फॉर बिटर बी फॉर ब्लू वेरी सिंपल वैसे ही एसिड का कैसे ध्यान में रखेंगे देखो एसिड को हम लोग ध्यान में रखेंगे बिटर के अपोजिट कौन है अपने इसमें टेस्ट में सॉर राइट मतलब सॉर एंड ब्लू के अगेंस्ट में कौन है अपने पास रेड देखो कितना ईजी है याद करने के लिए बेस एसिड की जोड़ी ध्यान में रखो बी फॉर बेस बी फॉर बिटर बी फॉर ब्लू एसिड का उसका उल्टा लिख देने का बिटर का सौर ब्लू का रेड वेरी सिंपल ठीक है सो काइंडली लेट मी नो हैंड रेस करके वेदर हैव यू मेमराइज दिस विथ मी मेरे साथ याद हो गया क्या सब कुछ बी फॉर बेस है बी फॉर बिटर बी फॉर ब्लू ज्यादा हार्ड भी नहीं है राइट उल्टा आप एसिड के लिए लिख देना ठीक है चलिए इसको अंडरलाइन कर लो प्लीजरलाइन सम्सोलाइन कर लो एसिड आर सॉर एसिड आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड अंडरलाइन कर लो एसिड आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड एंड बेसिस क्या करते हैं बेसिस आर बिटर चेंजेस रेड टू ब्लू अंडरलाइन कर लो प्लीज अब जो इंडिकेटर्स है ना इंडिकेटर्स के अंदर uh, मतलब जो से मिलता है example, litmus, दूसरा, turmeric. Turmeric मतलब अपनी हल्दी घर की जो हल्दी होती है तो अब उसका एक एग्जाम्पल दिया है नीचे एग्जाम्पल दिया है आप मान लो आपके कपड़े के ऊपर आपने एक व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है वाइट शर्ट पहना हुआ है एंड उसके ऊपर कुछ आपका खाना गिर गया एक करी करी का सबलेट से एक स्टेन गिर गया अब जब उसको धोया जाता है तब तो कुछ नहीं दिखता लेकिन जब उसको धोया जाता है सोप के साथ तो वो कैसा दिखता है से से आपकी सोप सोप बेसिक होती है है सोडियम या फिर पोटेशियम बनती है, तो वो बेसिक होती है आपकी जो रहती 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 है है बेसिक तो जब इससे धोया जाता है आपके कपड़े को तो आपके कपड़े के ऊपर जो दाग है दाग के अंदर क्या है टर्मरिक है आपने अपने यहां पे इंडिया में जो करी बनती है उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग हल्दी तो डालते ही डालते हैं मसाले के अंदर तो इसलिए ये सोप और वो टर्मरिक ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं इंडिकेटर देता है टर्मरिक इंडिकेटर है ना ओके तो टर्मरिक ऑलरेडी करी के अंदर है एंड एक मिनट में लिख के देता हूं आप कन्फ्यूज हो जाओगे टर्मरिक ये किस में है हल्दी के अंदर आ, करी करी के अंदर राइट right? एंड आपके पास ये जो है क्या बोलते हैं ये जो सोप है ये कैसी है बेसिक है राइट right. तो कलर चेंज कैसा देगी अः यहाँ पर जो कलर चेंज देगी वो कैसा हो जाता है रेडिश ब्राउन हो जाता है रेडिश ब्राउन मेन क्वेश्चन रेडिश ब्राउन कब होता है मतलब टर्मरिक बेस के साथ कैसा कलर देता है टर्मरिक की जो बेस एक टर्मरिक इंडिकेटर है एक बेस के साथ कैसा कलर चेंज देता है रेड ब्राउन इसलिए अपना जो कपड़ा है ना कपड़े के ऊपर एक दाग जैसा दिखता है रेडिश ब्राउन मतलब जब धोते हैं हम लोग उसको साबन से तो अपना जो दाग है वो कैसा हो जाता है रेडिश ब्राउन क्योंकि अपना सोप जो बेसिक है करी के कांटेक्ट में आ गया जिसके अंदर कौन है आ, अपना टर्मरिक है अब वापस जब उसको धो लेंगे हम लोग पानी से अगर हम लोग उसको धो लेंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाता है प्लेंटी ऑफ वॉटर से वो रेड ब्राउन कलर निकल जाता है रेड ब्राउन कलर क्यों निकल जाता है क्योंकि हल्दी निकल गई ना तुम्हारी साबन गई वहां से साबन निकल गई हल्दी निकल गई तो वहां पे कलर चेंज करने के लिए कोई है नहीं तो वहां पर कैसा डाक गिरता है येलो डाक गिरता है सम समथिंग लाइक तुम्हारी जो हल्दी थी थोड़ी बहुत रह जाती है साबन तो चली गई अब येल्लो सिर्फ टर्मरिक बची हुई है सो दैट इज लेट लेटस सी हमारे पास कुछ सिंथेटिक भी हैं, कुछ सिंथेटिक भी हैं, ये तो नेचुरल हो गए सिंथेटिक देख लो सिंथेटिक मतलब कौन से मैनमेड मैनमेड तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफलीन अंडरलाइन कर लो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफलीन ठीक है okay. Now, एक काम कर लेते हैं. Hmm. तुम्हारा वो नोटबुक ओपन रखना हम लोग रफ नोटबुक कोई तो भी हम लोग याद कर लेंगे जैसे एसिड बेस का याद रखा ना वैसे ही हमको मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन का भी याद रखना पड़ेगा मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन आल्सो हैज़ टू बी मेमोराइज्ड चलो कलर देख लेते कैसे है तो ये टेबल देख लो भाई तो ओरिजिनल कलर देख लो पहले मिथाइल ऑरेंज का मिथाइल ऑरेंज ठीक है मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर देख लो ओरिजिनल जो कलर है इसका ठीक है दैट दैट इज इज उसके नाम में है ऑरेंज नाम में है ना उसके ऑरेंज कलर ओके ऑरेंज कलर ठीक है एसिड में कलर कैसा चेंज देता है ये और बेस में कैसा ये आपको पता होना चाहिए तो देखो आपका जो ये मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में सपोज सपोलेट से कलर चेंज देता है एसिड में कैसा कलर चेंज देता है वो वो रेड बनाता है कैसा बनाता है रेड बनाता है और बेस में कैसा बनाता है बेस में ऑरेंज से येल्लो हो जाता है ठीक है ओरिजिनल कलर क्या है ऑरेंज उसका एसिड में रेड देता और बेस में येल्लो देता है याद कर लेंगे टेंशन मत लो खाली लिख के लो फिलहाल के लिए ओके दूसरा कौन है फिनॉफ्थिलीन ओके ठीक है तो फिनॉफ्थीन का लिखता है ठीक है फिनॉफ्थिलीन का ओरिजिनल कलर क्या है उसको कलर नहीं रहता पानी के जैसा दिखता हो फिनॉफ्थिलीन जो है ना पानी के जैसा दिखता है उसको कलर नहीं होता कलरलेस रहता एसिड के अंदर जब फिनॉफ्थिलीन डालते हैं तो आपका कलर चेंज नहीं आता है एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं देता है वो पानी के जैसा ही दिखता है मतलब फिनॉफ्थिलीन एसिड के अंदर डाले तो कैसा कलर है सेम जैसे पहले था वैसे ही लेकिन बेस के अंदर बेस के अंदर वो पिंक कलर देता है बेस के अंदर कैसा कलर देता है

मिथाइल ऑरेंज में मेन कलर चेंज किस में देता है एसिड में अब तुम देखो मिथाइल ऑरेंज में एसिड में मेन कलर चेंज दिया रेड बेस में येलो दिया उसने अब ऑरेंज से येलो अगर हो गया कोई तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑरेंज येलो एक जैसे थोड़े बहुत है ग्रेडेशन है सिर्फ येलो के बाद क्योंकि ऑरेंज ही आता है अपने अगर कलर पैलेट में अगर देखे ड्रॉइंग के तो येल्लो के बाद ऑरेंज ही दिखता है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है मतलब मेजर फर्क किधर दिखता है मिथाइल ऑरेंज का एसिड में एसिड में मेन कलर चेंज दिखता है इसलिए हमने क्या ध्यान में रखा हुआ है माँ

ओके सो काइंडली प्लीज लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड कि आपने ये निमोनिक आपको याद हो गया है और आपने लिख के लिया है समवेयर माँ बाप वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर मेमोराइजेशन चलिए सो क्वेश्चन के आंसर कीजिए प्लीज चैट बॉक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग विच चेंज ब्लू टू रेड इसमें से कौन सा ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा रेड रेड वाले कौन है रेड वाले कौन है आपको वो आंसर देना है वेरी सिंपल एसिड एसिड रेड वाले वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसको अंडरलाइन कर लो इन दिस चैप्टर विल स्टडी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड डे टू डे एग्जांपल्स ठीक है वो तो कुछ काम का नहीं है पैराग्राफ जस्ट इग्नोर लिटमस के बारे में देखते हैं देखो लिटमस अंडरलाइन कर लो आ, पहली चीज क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर तो नहीं ठीक है एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेकिन फिर भी हम लोग कंप्लीट करके लेंगे सो लिटमस का कलर कैसा रहता है पर्पल कलर का रहता है पर्पल डाय डाय मतलब कलर के जैसे विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन किससे निकालते हैं हम लोग ये लाइकेन से और लाइकेन क्या है प्लांट है कौन से डिविजन को बिलोंग करता है तो ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा को Lycans निकालते हैं हम लोग विच इज अ प्लांट जो को करता है, अबाउट इट ओरिजिनल कलर क्या है इसका? पर्पल. अब इसके अलावा कौन-कौन एक तो तुम जानते ही हो टर्मरिक ठीक है अभी दूसरे देख लो रेड कैबेज लूज अपनी जो पत्ता गोभी होती है ना वही लेकिन रेड कलर वाली टेक्निकली वो पर्पल कलर की रहती है लेकिन उसको रेड बोलते हैं ठीक है okay, so एंड uh, कुछ फ्लावर्स के पेटल्स पेटल्स मतलब क्या पंखुड़िया सबोलेट से जो uh, पंखुड़ियां होती हैं कुछ फ्लावर्स की वो भी आप इंडिकेटर बोल के यूज कर सकते हैं अब ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं तो फ्लावर की लिस्ट आपके सामने दी हुई है यहाँ पर नीचे देखो हाइड्रेंजिया पिटूनिया एंड जेरानियम ये कौन है दीज आर इंडिकेटर्स ये इंडिकेटर्स ही है लेकिन ये फ्लावर के नाम है ये फ्लावर के नाम है फ्लावर के पेटल अगर ये फ्लावर का तुम पेटल यूज करते हो पेटल मतलब पंखुड़ी ओके इफ यू यूज दैट तो आपके एसिड बेस का इंडिकेटर बोल के तुम यूज कर सकते हो इसको इतना सिंपल ओके तो जस्ट अंडरलाइन कर लो उतना बाकी इज सफिशेंट मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको किसके एग्जांपल देता है नेचुरल इंडिकेटर के दो तो ऊपर ही दिए वाले तुमने वो लिखे तो भी चलता कौन लिटमस एंड अपना ये टर्मरिक और सिंथेटिक में कौन देने मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफिलीन राइट right? एक्स्ट्रा uh, तुम यहां से दे सकते हो नेचुरल वाले इफ यू वॉन्ट बट ये इग्नोर किया तो भी चलेगा इट्स नॉट कंपल्सरी चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का एक आंसर सॉल्व करते हैं ठीक है दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस विल जस्ट सॉल्व सोल्व लेट्स से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो क्या बोल रहे हैं यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद थ्री टेस्ट ट्यूब्स आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब है चलो ठीक है इन नंबर लिख देते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब नंबर 1 टेस्ट ट्यूब नंबर 2 टेस्ट ट्यूब नंबर थ्री वन ऑफ दम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड दी अदर टू कंटेन एसिड कैन बेसिक मतलब वो क्या बोल रहे हैं तीनों टेस्ट्यूब में अलग अलग केमिकल्स हैं एक में डिस्टिल्ड वाटर है एक में एसिड है और एक में बेस है एक में एसिड है एक में बेस है और तीसरे में क्या है डिस्टिल्ड वाटर है ओके ठीक है अब डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा प्योर प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा प्योर वाटर राइट प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा न्यूट्रल रहेगा प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा न्यूट्रल रहेगा वेरी वेरी न्यूट्रल रहेगा सो चलो बात करते हैं अब आपके पास कौन सा पेपर दिया हुआ है रेड लिटमस पेपर आपके पास रेड दिया हुआ है राइट right? अब वो बोल रहे हैं तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि तीनों के अंदर कौन से कौन से केमिकल्स हैं चलिए लेट अस स्टार्ट इसको सॉल्व करते हैं आपके पास एक लिटमस पेपर है रेड और आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब है लेकिन आपको पता नहीं आपको सिर्फ इतना पता गया है कि आपको तीन अलग अलग सैंपल दिए हैं एसिड बेसिस डिस्टिल्ड वाटर लेकिन आपको यह नहीं पता कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या है तो तुम क्या करोगे पहले इसमें, पेपर डालोगे. पहले इसमें क्या करोगे रेड लिटमस डालोगे इधर डाल दिया रेड लिटमस अब मान लो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया जस्ट एज्यूम एज्यूम करके लिखना पड़ता है एज्यूमिंग दैट इट कन्वर्ट फ्रॉम रेड टू ब्लू तो ये कौन हो गया इसमें बताओ चैट बॉक्स में अगर ये पहले केमिकल में ही हमारा रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया लिटमस तो ये कौन होगा बी फॉर ब्लू बी फॉर कौन रहता बी फॉर ब्लू बी फॉर सिंपल बेस ओके बेस तो ये बेस होगा मतलब पहला बेस है ओके ठीक है पहला बेस एग्रीड पहला बेस है. अब मान लो अभी है, तुम्हारे पास पेपर कौन सा है अभी तुम्हारे पास ब्लू लिटमस आ गया तुम्हारा रेड पेपर खत्म हो गया तुम्हारा रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया अभी तुम्हारे पास ब्लू लिटमस है राइट ओके ठीक है अभी तुमने दूसरे इसमें क्या डाला ब्लू लिटमस ये ब्लू लिटमस कहां से आया ऊपर से पहले वाले इसमें से मान लो एज्यूमिंग दैट इट कन्वर्ट ब्लू टू रेड इसने ब्लू से रेड में फिर से कन्वर्ट कर दिया उस पेपर को उसी पेपर को उसने फिर से ब्लू टू तो रेड में कन्वर्ट कर दिया तो ये कौन होगा एसिड एसिड अब तुम मुझे बताओ ये बेस है ये एसिड है तो बचा हुआ कौन होगा वन आपके पास तीन ही लिस्ट है एसिड बेसिस और एक है तीसरा कौन होगा डिस्टिल्ड वाटर नहीं नहीं न्यूट्रल कहां बोला है तुमको तुम तो एज्यूम कर रहे हो न्यूट्रल <laughs> है वो लेकिन तुमको बताया कहां गया है ठीक है तो क्या लिखोगे डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर लिखोगे डिस्टिल्ड वाटर हो गया बोलो भाई लेट मी जस्ट आस्क यू इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेसन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एट लीस्ट चलिए शुरू करते हैं सो व्हाट वी हैव इज लेसन नंबर टू पार्ट वन

अब आपको पूछ रहे इफ इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर हो गई और उसकी वजह से सपोज इट से एसिडिटी हो गई ठीक है अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी एज अ रेमेडी बोल के उनको क्या दोगे लेमन जूस विनेगर की बेकिंग सोडा क्या लगता है ऑप्शन में बताइए मैं तीनों के बारे में बता दू लेमन जूस एसिड है विनेगर एसिड है बेकिंग सोडा बेस है अब बताइए आपके पेट में अगर एसिडिटी हो गई है ज्यादा खाने की वजह से ओवर रीट कर लिया आपने तो क्या खाओगे एसिड एसिड बेस सिंपल सी चीज है बेस खाएंगे बिकॉज आपके पेट में एसिडिटी हो गई है आपके पेट में एसिडिटी हो गई है तो एसिड होने की वजह से एसिड को कौन काटता है बेस काटता है तो आपको क्या खाना पड़ेगा बेस खाना पड़ेगा सिंपल लॉजिक तो हैं यहां पर एरो करके लिखें आंसर क्या लिखेंगे एरो करके रीजन इज बिकॉज इट्स प्लीज जल्दी लिख दीजिए आंसर उस क्वेश्चन का बेकिंग सोडा बेस चलिए विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी ये तीन ऑप्शन में जो आपके पास थे लेमन जूस विनेगर बेकिंग सोडा आपने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया लाइक like, आपने जो केमिकल से डिसाइड किया लेने का ड्यू टू एसिडिटी उसके लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा बेसिक बेसिक लिखो वहां पे आंसर बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में सोचा रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेज विदाउट टेस्टिंग ओके तो इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे दैट इज रिकॉल हाउ वी टेस्टेड इसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे राइट right? चलिए आगे बढ़े टॉक अबाउट द कलर्स ठीक है कलर्स के बारे में याद करते हैं लेकिन एक काम करो एक पेज निकाल के रखना पेज के अंदर हम लोग वो चीजें याद कर लेंगे ठीक है एसिड बेसिस याद कर लो कैसा है? कैसाबर लेटर राइट ओके तो हैं यहीं पर याद कर लेंगे ठीक है चलिए सबसे पहला हम लोग एक समझ के लेते हैं यहाँ पर एंड दैट इज कि एसिड्स और बेसिस का पहले टेस्ट के बारे में देखते हैं ठीक है Let us first talk about the test. हमारे पास दो केमिकल्स हैं, एक एसिड है एक बेस देखो अपने पास दो टेस्ट है सौर और बिटर राइट right? आपको क्या ध्यान में रखना है बी फॉर बेस बी फॉर बिटर ध्यान में रखना है बी फॉर बेस बी फॉर बिटर और दूसरा कौन सा रह जाता है Sour, एसिड sour रहता है। ओके तो बी फॉर बेस बी फॉर बिटर एंड एसिड का सौर याद रखना है ठीक है वेरी सिंपल बी फॉर बेस बी फॉर बिटर एसिड के अंदर सौर आ जाएगा वेरी सिंपल एटलीस्ट हमको उसका टेस्ट तो पता चल गया ठीक है याद हो गया अब बात करते हैं लिटमस पेपर्स की जो हम लोग इंडिकेटर्स बोल के यूज करते हैं अब ये काफी फेमस है लिटमस बच्चों को पता ही रहता है एटलीस्ट नाम सुनने वाला रहता है भले ही दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस एटलीस्ट उनको पता रहता है कि लिटमस नाम का कुछ तो पेपर होता है विच इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और पेस्ट तो चलिए इसके बारे में जानते हैं लिटमस होता क्या है बेसिकली लिटमस एक केमिकल है ठीक है ये प्लांट से मिलता है हमको मतलब ये नेचुरल है लिटमस किससे मिलता 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 है मिलता है है प्लांट से से ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चीजों से मिलता है. it's a natural one. और इसका ओरिजिनल जो रहता है न, पर्पल रहता है ओरिजिनल कलर क्या है पर्पल मतलब वॉयलेट कलर की जैसा ओरिजिनल कलर उसका अब उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करके हम उससे दो केमिकल्स बनाते हैं दो केमिकल्स बनाते हैं कौन से कौन से एक बनाते हैं रेड लिटमस और दूसरा बनाते हैं ब्लू लिटमस ये वाले. तो हमने क्या किया देखो लिटमस पर्पल कलर का है प्रोसेसिंग करके हमने उसमें दो केमिकल बनाए एक रेड लिटमस एक ब्लू लिटमस अब ये जो रेड और ब्लू लिटमस है ना ये लिक्विड फॉर्म में है. मतलब आपके ऐसा समझ लो एक कंटेनर के अंदर है अब उसके अंदर आप क्या करोगे एक पेपर डाल दोगे नॉर्मल पेपर रहता ना अपना वो पेपर डाल दोगे तो पेपर क्या कर लेगा ये रेड लिटमस को पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा हम दोनों के अंदर क्या डालेंगे पेपर डालेंगे पेपर पेपर क्या करेगा उस पूरे केमिकल को कर लेगा। और ये जो पेपर होगा हम लोग इसको बोलते हैं रेड लिटमस पेपर इसको क्या बोलते हैं रेड लिटमस पेपर इस पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर आइडेंटिफिकेशन और इसको क्या बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर मेन क्वेश्चन ये क्या हम लोग ये डायरेक्ट लिक्विड को यूज नहीं कर सकते यहाँ पर जो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का लिक्विड है कांट वी यूज यूज दैट फॉर इंडिकेटर यस यू यू कैन कैन कर सकते हो फिर क्यों यूज नहीं करते क्योंकि लैब में कैसा है ना फिर आपको ये स्पेशल बॉटल रखना पड़ेगा स्पेशली केमिकल को हैंडल करना पड़ेगा उससे अच्छा पेपर यूज कर लो पेपर को तुम किधर भी रख सकते हो सो व्हाई डू वी यूज लिटमस पेपर्स इंस्टेड ऑफ सपेट से द द लिक्विड्स रीजन बीइंग लिक्विड्स को हैंडल करने के लिए कहाँ वापस हम लोग समय बिताएंगे उसको निकालो फिर उसमें से ड्रॉपर से डालो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इससे अच्छा हम लोग क्या यूज करते हैं पेपर यूज करते हैं जस्ट बोल के फाड़ने का यूज करने का ओके सो वी हैव टू लिटमस पेपर कौन कौन से कौन से एक रेड लिटमस एन ए ब्लू लिटमस अब इसको यूज कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं अब हमारे पास दो पेपर तो आ गए एक कौन एक रेड लिटमस दूसरा कौन ब्लू लिटमस मेन क्वेश्चन अभी मेन क्वेश्चन दोनों में से कौन सा यूज करने का दोनों यूज करना पड़ता है दोनों यूज करना पड़ता है मान लो आपको आपको एक सैंपल दे दिया मैंने ये आपके पास एक सैंपल है ये वाला एंड यू हैव बीन आस्ट कि इसको प्लीज टेस्ट करो इसको टेस्ट करो कि भाई ये कौन सा केमिकल है मतलब ये एसिड है कि बेस है तो तुम क्या करोगे तुम दोनों पेपर डालोगे इसके अंदर दोनों पेपर डालोगे तुम इसके अंदर रेड लिटमस भी डालोगे और तुम इसके अंदर ब्लू लिटमस भी डालोगे दोनो, दोनों दोनों लिटमस पेपर डालना पड़ता है ऐसा क्यों क्योंकि दोनों को ही सप्पोलेट से एक कलर चेंज आपको देगा दोनों ही डालना पड़ता है दोनों से टेस्ट करवाना पड़ता है अच्छा ठीक है तो अगर दोनों डाल दिए तो एसिड क्या कलर चेंज देता है और बेस क्या कलर चेंज देता है अब एसिड क्या करता है एसिड एसिड रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है एसिड क्या करता है रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है उसको चेंज नहीं करता लेकिन जो ब्लू वाला है ना ब्लू वाला ब्लू वाले को चेंज करता है वो ब्लू वाले को क्या कर लेता है रेड बना लेता है ब्लू वाले को रेड बना लेता है मतलब रेड का रेड रहेगा ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा कौन एसिड एंड व्हाट अबाउट द बेस बेस को पहले देखते हैं अब बेस क्या करता है ब्लू को ब्लू में ही रखेगा वो ब्लू को चेंज नहीं करता ब्लू को ब्लू में ही रखेगा ब्लू का कलर चेंज नहीं होता है वट अबाउट रेड रेड का चेंज होगा रेड डेफिनेटली चेंज होगा आपका रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है मतलब इन शॉर्ट एसिड के अंदर रेड कलर मिल जाता है आपको तुम देखो ना कॉमन है दोनों के अंदर क्या कॉमन है रेड रेड मतलब एसिड के अंदर लाल ही मिलता है एंड बेस के अंदर कैसा मिलता है ब्लू मिलता है ओके ठीक है इस चीज को हम लोग याद करेंगे इस चीज को याद करेंगे विल डू डूर्स हम लोग इसको याद करेंगे बेस के लिए देखो हमने क्या बोला था फॉर बेस बी फॉर बेस फिर हमने बोला था बी फॉर बिटर बी फॉर बिटर और हमने बोला है कि जो लिटमस आपका रेड वाला है वो किसमें कन्वर्ट होता है ब्लू में ओके ठीक है मतलब इसमें कौन सा भी लिटमस डालो ब्लू होने वाला है राइट बी फॉर बेस बी फॉर बिटर बी फॉर ब्लू वेरी सिंपल वैसे ही एसिड का कैसे ध्यान में रखेंगे देखो एसिड को हम लोग ध्यान में रखेंगे बिटर के अपोजिट कौन है अपने इसमें टेस्ट में सॉर राइट मतलब सॉर एंड ब्लू के अगेंस्ट में कौन है अपने पास रेड देखो कितना ईजी है याद करने के लिए बेस एसिड की जोड़ी ध्यान में रखो बी फॉर बेस बी फॉर बिटर बी फॉर ब्लू एसिड का उसका उल्टा लिख देने का बिटर का सौर ब्लू का रेड वेरी सिंपल ठीक है सो काइंडली लेट मी नो हैंड रेस करके वेदर है मेरे साथ याद हो गया क्या सब कुछ बी फॉर बेस है बी फॉर बिटर बी फॉर ब्लू ज्यादा हार्ड भी नहीं है राइट उल्टा आप एसिड के लिए लिख देना ठीक है चलिए इसको अंडरलाइन कर लो प्लीजरलाइन सम्सो अंडरलाइन कर लो एसिड आर सॉर एसिड आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड अंडरलाइन कर लो एसिड आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड एंड बेसिस क्या करते हैं बेसिस आर बिटर चेंजेस रेड टू ब्लू अंडरलाइन कर लो प्लीज अब जो इंडिकेटर्स है ना इंडिकेटर्स के अंदर समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचर से मिलता है एग्जाम्पल दूसरा टर्मरिक टर्मरिक मतलब अपनी हल्दी घर की जो हल्दी होती है तो लिटमस एंड टर्मरिक आर नथिंग बट नेचुरल इंडिकेटर्स अब उसका एक एग्जाम्पल दिया है नीचे एग्जाम्पल दिया है आप मान लो आपके कपड़े के ऊपर आपने एक व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है वाइट शर्ट पहना हुआ है एंड उसके ऊपर कुछ आपका खाना गिर गया एक करी करी का सबलेट से एक स्टेन गिर गया अब जब उसको धोया जाता है तब तो कुछ नहीं दिखता लेकिन जब उसको धोया जाता है सोप के साथ तो वो कैसा दिखता है uh, से आपकी सोप बेसिक होती है सोप सोडियम या फिर पोटेशियम से बनती है तो वो बेसिक होती है आपकी जो साबन रहती हो, है बेसिक रहती है तो जब इससे धोया जाता है आपके कपड़े को तो आपके कपड़े के ऊपर जो दाग है दाग के अंदर क्या है टर्मरिक है आपने अपने यहाँ पे इंडिया में जो करी बनती है उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग हल्दी तो डालते ही डालते हैं मसाले के अंदर तो इसलिए ये सोप और वो टर्मरिक ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं इंडिकेटर देता है टर्मरिक इंडिकेटर है ना ओके तो टर्मरिक ऑलरेडी करी के अंदर है एंड एक मिनट में लिख के देता हूं आप कंफ्यूज हो जाओगे टर्मरिक ये किसमें है हल्दी के अंदर आ, करी करी के अंदर राइट right? एंड आपके पास ये जो है क्या बोलते हैं ये जो सोप है ये कैसी है बेसिक है राइट right. तो कलर चेंज कैसा देगी अः यहाँ पर जो कलर चेंज देगी वो कैसा हो जाता है रेडिश ब्राउन हो जाता है रेडिश ब्राउन मेन क्वेश्चन रेडिश ब्राउन कब होता है मतलब टर्मरिक बेस के साथ कैसा कलर देता है टर्मरिक की जो बेस एक टर्मरिक इंडिकेटर है एक बेस के साथ कैसा कलर चेंज देता है रेड ब्राउन इसलिए अपना जो कपड़ा है ना कपड़े के ऊपर एक दाग जैसा दिखता है रेडिश ब्राउन मतलब जब धोते हैं हम लोग उसको साबन से तो अपना जो दाग है वो कैसा हो जाता है रेडिश ब्राउन क्योंकि अपना सोप जो बेसिक है करी के कांटेक्ट में आ गया है जिसके अंदर कौन है आ, अपना टर्मरिक है अब वापस जब उसको धो लेंगे हम लोग पानी से अगर हम लोग उसको धो लेंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाता है प्लेंटी ऑफ वॉटर से वो रेड ब्राउन कलर निकल जाता है रेड ब्राउन कलर क्यों निकल जाता है क्योंकि हल्दी निकल गई ना तुम्हारी साबन गई वहां से साबन निकल गई हल्दी निकल गई तो वहां पे कलर चेंज करने के लिए कोई है नहीं तो वहां पे कैसा डाक गिरता है येलो डाक गिरता है सम समथिंग लाइक तुम्हारी जो हल्दी थी थोड़ी बहुत रह जाती है साबन तो चली गई अब येल्लो सिर्फ टर्मरिक बची हुई है वहां पे सो दैट इज लेट अस सी हमारे पास कुछ सिंथेटिक भी हैं, कुछ सिंथेटिक भी हैं, ये तो नेचुरल हो गए सिंथेटिक देख लो सिंथेटिक मतलब कौन से मैनमेड मैनमेड तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफलीन अंडरलाइन कर लो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफ्थलीन ठीक है नाउ okay. एक काम कर लेते हैं. Hmm. तुम्हारा वो नोटबुक ओपन रखना हम लोग रफ नोटबुक कोई तो भी हम लोग याद कर लेंगे जैसे एसिड बेस का याद रखा ना वैसे ही हमको मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्न का भी याद रखना पड़ेगा मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफिल आल्सो हैज टू भी मेमोराइज्ड चलो कलर देख लेते कैसे है तो ये टेबल देख लो भाई तो ओरिजिनल कलर देख लो पहले मिथाइल ऑरेंज का मिथाइल ऑरेंज ठीक है मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर देख लो ओरिजिनल जो कलर है इसका ठीक है दैट इज दैट इज उसके नाम में है ऑरेंज नाम में है ना उसके ऑरेंज कलर ओके ऑरेंज कलर ठीक है एसिड में कलर कैसा चेंज देता है ये और बेस में कैसा ये आपको पता होना चाहिए तो देखो आपका जो ये मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में सपोज सपोलेट से कलर चेंज देता है एसिड में कैसा कलर चेंज देता है वो वो रेड बनाता है कैसा बनाता है रेड बनाता है और बेस में कैसा बनाता है बेस में ऑरेंज से येल्लो हो जाता है ठीक है ओरिजिनल कलर क्या है ऑरेंज उसका एसिड में रेड देता और बेस में येल्लो देता है याद कर लेंगे टेंशन मत लो खाली लिख के लो फिलहाल के लिए ओके दूसरा कौन है फिनॉफ्थिलीन ओके ठीक है तो फिनॉफ्थिलीन का लिखता है ठीक है अब फिनॉफ्थिलीन का ओरिजिनल कलर क्या है उसको कलर नहीं रहता पानी के जैसा दिखता हो फिनॉफ्थिलीन जो है ना पानी के जैसा दिखता है उसको कलर नहीं होता कलरलेस रहता एसिड के अंदर जब फिनॉफ्थिलीन डालते हैं तो आपका कलर चेंज नहीं आता है एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं देता है वो पानी के जैसा ही दिखता है मतलब फिनॉफ्थिलीन एसिड के अंदर डाले तो कैसा कलर है सेम जैसे पहले था वैसे ही लेकिन बेस के अंदर बेस के अंदर वो पिंक कलर देता है बेस के अंदर कैसा कलर देता है कलर देता। चलो इसको याद कर लेते ठीक है को आई थिंक ओरिजिनल कलर याद रखने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा है तो कलरलेस है और ऑरेंज 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 तो औरेंग है, औरेंग तो औरेंग है है मिथाइल ओके ठीक चलिए अब इसको याद कर लेते हैं हम लोग ठीक है ये डेटा को अभी जो टेबल हमने देखा तो उसके लिए कौन से चार आपको लेट से लेटर्स याद रखने uh, माँ बाप ध्यान में रखने कौन? माँ बाप

मिथाइल ऑरेंज में मेन कलर चेंज किस में देता है एसिड में अब तुम देखो मिथाइल ऑरेंज में एसिड में मेन कलर चेंज दिया रेड बेस में येल्लो दिया उसने अब ऑरेंज से येल्लो अगर हो गया कोई तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑरेंज येलो एक जैसे थोड़े बहुत है ग्रेडेशन है सिर्फ येलो के बाद क्योंकि ऑरेंज ही आता है अपने अगर कलर पैलेट में अगर देखे ड्रॉइंग के तो येलो के बाद ऑरेंज ही दिखता है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है मतलब मेजर फर्क किधर दिखता है मिथाइल ऑरेंज का एसिड में एसिड में मेन कलर चेंज दिखता है इसलिए हमने क्या ध्यान में रखा हुआ है माँ

ओके सो काइंडली प्लीज लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड कि आपने ये निमोनिक आपको याद हो गया है और आपने लिख के लिया है समवेर माँ बाप वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर मेमोराइजेशन चलिए सो क्वेश्चन की आंसर कीजिए प्लीज चैट बॉक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग विच चेंज ब्लू टू रेड इसमें से कौन सा ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा रेड रेड वाले कौन है रेड वाले कौन है आपको वो आंसर देना है वेरी सिंपल एसिड एसिड रेड वाले वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसको अंडरलाइन कर लो इन दिस चैप्टर विल स्टडी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड डे टू डे एग्जांपल्स ठीक है वो तो कुछ काम का नहीं है पैराग्राफ जस्ट इग्नोर लिटमस के बारे में देखते हैं देखो लिटमस अंडरलाइन कर लो आ, पहली चीज क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर तो नहीं ठीक है एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते है दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकिन फिर भी हम लोग कंप्लीट करके लेंगे सो लिटमस का कलर कैसा रहता है पर्पल कलर का रहता है पर्पल डाय डाय मतलब कलर के जैसे विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन किससे निकालते हैं हम लोग ये लाइकेन से और लाइकेन क्या है प्लांट है कौन से डिविजन को बिलोंग करता है तो ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा को Lycans निकालते हैं हम लोग विच इज अ प्लांट जो थायलोफाइटा को बिलोंग करता है एंड इट्स एक तो तुम जानते ही हो टर्मरिक ठीक है अभी दूसरे देख लो रेड कैबेज लीव्स अपनी जो पत्ता गोभी होती है ना वही लेकिन रेड कलर वाली टेक्निकली वो पर्पल कलर की रहती है लेकिन उसको रेड बोलते हैं ठीक है ओके सो रेड कैबेज लीव्स टर्मरिक एंड uh, कुछ फ्लावर्स के पेटल्स पेटल्स मतलब क्या पंखुड़िया सबोल से जो uh, पंखुड़ियां होती हैं कुछ फ्लावर्स की वो भी आप इंडिकेटर बोल के यूज कर सकते हैं अब ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं तो फ्लावर की लिस्ट आपके सामने दी हुई है यहाँ पर नीचे देखो हाइड्रेंजिया पिटूनिया एंड जेरानियम ये कौन है दीज आर इंडिकेटर्स ये इंडिकेटर्स ही है लेकिन ये फ्लावर के नाम है ये फ्लावर के नाम है फ्लावर के पेटल अगर ये फ्लावर का तुम पेटल यूज करते हो पेटल मतलब पंखुड़ी ओके इफ यू यूज दैट तो आपके एसिड बेस का इंडिकेटर बोल के तुम यूज कर सकते हो इसको इतना सिंपल ओके तो जस्ट अंडरलाइन कर लो उतना बाकी इज मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको किसके एग्जाम्पल देता है नेचुरल इंडिकेटर के दो तो ऊपर ही दिए वाले तुमने वो लिखे तो भी चलता कौन लिटमस एंड मिथ अपना ये टर्मरिक और सिंथेटिक में कौन देने मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफिलीन राइट right? एक्स्ट्रा uh, तुम यहां से दे सकते हो नेचुरल वाले इफ यू बट ये इग्नोर किया तो भी चलेगा इट्स नॉट कंपल्सरी चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का एक आंसर सॉल्व करते हैं ठीक है दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस विल जस्ट सॉल्व आंसर लेट्स से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो क्या बोल रहे हैं यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद थ्री टेस्ट ट्यूब्स आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब है चलो ठीक है इन नंबर लिख देते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब नंबर 1 टेस्ट ट्यूब नंबर 2 टेस्ट ट्यूब नंबर थ्री वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड दी अदर टू कंटेन एसिडिक एंड बेसिक मतलब वो क्या बोल रहे हैं तीनों टेस्ट्यूब में अलग अलग केमिकल्स हैं एक में डिस्टिल्ड वाटर है एक में एसिड है और एक में बेस है एक में एसिड है एक में बेस है और तीसरे में क्या है डिस्टिल्ड वाटर है ओके ठीक है अब डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा प्योर प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा प्योर वाटर राइट प्योर वाटर, मतलब वाटर मतलब कैसा रहेगा न्यूट्रल रहेगा प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा न्यूट्रल रहेगा वेरी वेरी न्यूट्रल रहेगा सो चलो बात करते हैं अब आपके पास कौन सा पेपर दिया हुआ है रेड रेड लिटमस पेपर आपके पास दिया हुआ है राइट right? अब वो बोल रहे हैं तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि तीनों के अंदर कौन से कौन से केमिकल्स हैं चलिए लेट अस स्टार्ट इसको सॉल्व करते हैं आपके पास एक लिटमस पेपर है रेड और आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब है लेकिन आपको पता नहीं आपको सिर्फ इतना पता गया है कि आपको तीन अलग अलग सैंपल दिए हैं एसिड बेसिस डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन आपको यह नहीं पता कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या है तो तुम क्या करोगे पहले इसमें, पेपर डालोगे. पहले इसमें क्या करोगे डालोगे. इधर डाल दिया. अब मान लो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया जस्ट एज्यूम एज्यूम करके लिखना पड़ता है एज्यूमिंग के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूं देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर लाइव टेस्ट सीरीज़ एंड क्विजेस भी होंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पी मिलेंगे आपको लाइव टेस्ट में कैसा है आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फ़ीचर भी है इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है तो दैट इज अनदर फीचर की जो हमने दिया है तो प्लस बहुत ही इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं आइकॉनिक कोर्सेस अब आइकॉनिक कोर्सेस क्या है आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है सो इट इज योर यू कैन टेक योर सी बी एस प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटोर तो आपको इसके अंदर एक मेटोर एजन किया जाता है दिस इज समथिंग न्यू प्लस के सभी फ़ीचर आपको मिलेंगे लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर एजाइन किया जाता है लाइव डाउट सोल्यूशन होता है मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशन कुछ होंगे उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं आपको उसका आंसर मिल जाएगा उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं अगर उनके उनको सप्पलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है तो दे कैन टॉक विथ द मेंटर एंड सेकेंड इज लास्ट स्टडी प्लानर आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के सो so, उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं यहां पर चार हिस्सों में डिवाइडेड है ये नाइन्थ के लिए है और ये टेंथ के लिए ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के हैं प्लस आइकॉनिक तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग रेट्स हैं राइट तो अगर आप टेंथ स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की अगर आप बात कर रहे हो पंद्रह हजार या फिर सपोज सपोलेट से ट्वेंटी एट थाउजेंड फॉर आइकॉनिक कोर्सेस ये प्लस का रेट है या आइकॉनिक का रेट है नेक्स्ट थिंग इज ट्वेल्व मंथ्स फॉर दिस थिंग आपके नाइन्थ uh, स्टैंडर्ड के लिए तो पंद्रह हजार रेट होगा ट्वेंटी एट थाउजेंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इन दोनों के ऊपर टेन परसेंट डिस्काउंट मिल सकता है कैसे लेना है कैसे अवेल करना है आपको क्या करना है देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा उसके बाजू में कोड का बटन आएगा यहाँ पर वो कोड को टैप करना और वहां पे कोड क्या लिखना है ए एस लाइफ टेन ए एस लाइफ टेन लिख देना और जैसे आप ओके OK कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है है वो 10 से कम हो है? कम हो हो ठीक जाती है। ये पहला स्टेप आप पहले कोड लिखो दैट इज ए एस लाइफ टेन अजिंक्य सोड़ों के एल आई वी वन जीरो नो स्पेस हाँ कुछ स्पेस नहीं देना कंटिन्यूशन में लिखना है उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो मान लो ये ले लिया आपने फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो बस दट सेट तो पहले कोड लिखना है ए एस लाइफ टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो बस हो गया पेमेंट हो जाएगा आपका राइट इतना ही करना है ज़्यादा हार्ड नहीं है तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं विच वॉट डू यू वॉन्ट मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं आइकॉनिक के क्या हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं ईधर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर सी बेसिक प्रिपेरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर राइट तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी ये नए दो ऑफर सुन लो ऑफर्स हैं लेट से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स ऑफर वैलिड ओनली टिल सिक्सटीथ जुलाई एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर सी बस सी क्लासेस सिक्स टू ट्वेल्थ तक ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप ट्वेल्ल्व फिफ्टी एटीन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सी बी एस सी का दो महीने का चौबीस छत्तीस फोर्टी एट मंथ्स के लिए फो चार महीने का एंड सिक्सटी सेवेंटी टू एटी फोर मंथ के लिए सिक्स महीने का छः महीने का सी बी एस सी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप ट्वेल्ल्व फिफ्टी एटीन की बात करते हो तो दो महीने का फ्री ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फॉर्टी एट तो फोर मंथ्स का फ्री एंड सिक्सटी सेवनटी टू एंड एटी फोर मंथस का अगर

तो अनएकेडमीस कॉम्बेट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है ये एक प्रकार की आपके से uh, जन आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी से एक पूल है एक करोड़ का ऑलमोस्ट उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं दिस इज़ फॉर नाइन्थ एंड टेंथ बोथ नाइन्थ एंड टेंथ दोनों के लिए है आपको खाली इतना करना है कि एटीन तो जुलाई को सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह ग्यारह बजे ये एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम दे देना है इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे 30 क्वेश्चन होंगे आ, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है सिर्फ ऑप्शन को चूज़ कर देना है और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए फोर्टी फाइव मिनट्स देखो तीस क्वेश्चन है मतलब ऑलमोस्ट एक मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व वन क्वेश्चन एंड ऊपर से ये फ्री लाइफ टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों में कंडक्ट की जाती है हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज कितना एक करोड़ तो डेट याद रखें दिस इज फॉर नाइन्थ एंड टेंथ बोथ एंड ये एग्जाम होगी एटीनथ जुलाई सुबह ग्यारह बजे स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दें ठीक है कॉम्बैट ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज मिले स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से ऑल यू टू डू इज गिव दिस एग्जाम ठीक है थर्टी क्वेश्चन फोर्टी फाइव मिनट्स एम सी क्यू टेस्ट एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो टू करोर वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ़ वन करोर फाइव थाउजेंड लर्नर्स गेट चांस टू विन स्कॉलरशिप इंस्टेड ऑफ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लर्नर्स सेवन डेज वैलिडिटी ऑफ स्कॉलरशिप कोर्स इंस्टेड ऑफ़ फोर्टीन डेज तो फोर्टीन डेज की जगह पर सात दिन का वैलिडिटी होगा तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैक्ट के जरूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को तो एनरोल अब भी कर लो ठीक है आज ही कर लो अब भी कर लो ये वीडियो देखने के बाद सो so दैट आपका ये एग्जाम आप दे पाओ देखिए आपको अगर टेन परसेंट डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है जब भी आप पेमेंट करें ऑल योर टू डू इज यूज़ दस कोड दैट इज़ एस लाइफ टेन अजिंक्य सो के एल आई वी ई वन ज़ीरो आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त और भली आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो मतलब सिक्स टू टेंथ एलेवन्थ ट्वेल्थ सब भी जितने भी कोर्सेस हैं अकेडमी की तरफ से सबके ऊपर आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ़ दिस कोड तो ये कोड का इस्तेमाल करें एस लाइफ टेन और टेन परसेंट डिस्काउंट लें आपके कोई भी कोर्स के ऊपर ठीक है ए एस एल आई वी ई वन जीरोकेडमिक एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपका अगर पास आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनएकेडेमिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ऑल यू टू डू इज गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड इफ़ आर यूजिंग एप्पल लेट्स ओ iOS आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो ऐपल का तो आप App स्टोर पर जाके यू कैन डाउनलोड अब इसके ऊपर अगर सब लेट से इफ़ यू वॉन्ट टू सी सम फीचर्स आप टेस्ट करना चाहते देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं क्या है तो वो जब आप लेट से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स सो दैट यू कैन सी फॉर यूर सेल्फ कि uh, कितना अच्छा एप्लीकेशन है आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में तो आप एक काम कर सकते हो वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ए एस लाइव टेंट फॉर अनलॉक अनलॉक के लिए मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा सो डू यूज द कोड ए एस लाइफ टैन टू अनलॉक द फीचर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहां पर एंटर करना है ए एस लाइफ टैन अजिंक्य सोड़ों के एल आई वी ई -E वन जीरो ठीक है सो सी बी एस इज लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन एन अकेडमी हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं सी के तो सी के जो भी गाइडलाइंस है न्यू मतलब जैस जैसे उन्होंने बोला है कि दो एग्जाम्स लेना है टर्म वन टर्म टू के नाम से तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर सी क्लास नाइन एंड टेंथ बचेज डेडिकेटेड टू टर्म वन सिर्फ टर्म वन का सिलेबस हम लोग इसमें कम्प्लीट complete करेंगे कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू सी बी एस ई गाइडलाइंस जो भी सी बी एस ई ने गाइडलाइंस दी उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं हिंदी में भी बैचेस हैं जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं टर्म वन एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन थ्री मंथ्स सिर्फ तीन महीने में आ रही है और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा अनएकेडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के आपको जल्दी से ये नो इसका फायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ क्लास टेंथ के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट ट्वेंटी टू बैच फिफ्थ जुलाई से और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स थर्टीत नवंबर तक और इसमें सिकंदर सर एस एस टी पढ़ा रहे हैं कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं माल्या रस्तोगी जैसे मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं और क्लास नाइन्थ के लिए जो बैच है वही टारगेट ट्वेंटी टू बैच नाम सेम है लेकिन क्लास नाइन्थ के लिए उसके अंदर हार्दिक सर एस पढ़ा रहे हैं मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं तो ये डेट्स याद रखो फिफ्थ जुलाई एंड थर्टीथ नवम्बर उसके बाद आ, कुछ और दो बैचेस हैं टारगेट ट्वेंटी टू बैच जो फिफ्थ जुलाई से शुरू हुई है थर्टीएथ नवम्बर तक चली गई है इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं एस हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं उसके बाद नाइन्थ का जो बैच है उसके अंदर टारगेट ट्वेंटी टू बैच एस एस टी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं सो so, ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है तो ज़रूर एनरोल करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है नाइन्थ एंड टेंथ का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके तो ये न्यू बैचेस है और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है